राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य की सत्ता फिर से स्थापित की है और आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद सातारा के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया गया। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सातारा के पुत्र एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सातारा जिले के विभिन्न हिस्सों में सातारी कंदी पेड़े बांटे और उनके मुख्यमंत्री पद पर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से सातारा जिले ने राज्य को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। उनमें से यशवंतराव चव्हाण राज्य के पहले मुख्यमंत्री, तहसील के पुत्र बाबा साहेब शिंदे, सातारा के कराड तालुका में रहने वाले पृथ्वीराज चव्हाण और अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की परंपरा मिली है। इसलिए सातारा को एकनाथ शिंदे का रूप मिला। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री का पद सातारा के लिए विकास में योगदान देता है। गेले 8 ते 10 दिवस जे महाराष्ट्र राज्यामध्ये जो काही सत्ता संघर्ष उभा चालू होता त्याचा आज अखेर त्यावर पडदा पडलेला आहे। सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र आमचे आधारस्तंभ मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झालेले ह्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, इथून पुढे सातारा जिल्ह्यामध्ये म्हणजे फक्त विकास फक्त ठाणे जिल्ह्यातला किंवा असा नाही होणार, एकूण महाराष्ट्र राज्याचा विकास होईल। ह्याच्या आधी 8 ते 10 दिवसापूर्वी जे दुफळी निर्माण झाली होती सातारा म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जसं सातारा शहरामध्ये की हा गट तो गट असा काही राहिलेला नाही आहे, आज पुन्हा एकदा मंत्री मोदी एकनाथ शिंदेनी हे सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचा झालेला आहे आणि ते जे साहेब आमचे भाई बोलतात तेच करून दाखवलेले। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।